Hi everyone, welcome back to the accountancy class. So today we are going to study about the rules of debits and credits. As you know that every business transaction affects at least two accounts. One of them is debited and the other one is credited, right? Yes, there can be transactions jahan pe ek se zyada accounts debit ho rahe ho ya ek se zyada accounts credit ho rahe ho. But the amount to be debited will always be equal to the amount to be credited. But now the question is, kaun se accounts ko debit kare and kaun se accounts ko credit, right? So there are two approaches for deciding when to write on the debit side of the account and when to write on the credit side of the account. The first one is the traditional approach and the second one is the modern approach. So, आज हम मॉडर्न अप्रोच से समझेंगे द रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडर्न अप्रोच अकाउंटेंसी में जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबको फाइव कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया. एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इन सारी अकाउंटिंग टर्म्स का मीनिंग पता हो. सो इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. You'll find the link in the description box. So now, let's start with the assets. So the rule for the assets is debit the increases and credit the decreases. So jab bhi business mein assets increase honge, assets ka balance increase hoga, wo debit honge, and jab bhi assets ka balance decrease hoga, wo credit honge. Now let's take an example ki aapka business hai and business ka naam hai Indian Cafe, right? तो आपने फर्नीचर परचेज किया फॉर कैश रुपीज 10,000. नाउ द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू आइडेंटिफाई कि बिजनेस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है. यहाँ पे आपने फर्नीचर परचेज किया तो एक तो हो गया फर्नीचर अकाउंट, राइट? एंड सेकेंड, क्योंकि आपने कैश पे किया है तो सेकेंड अकाउंट वुड बी कैश अकाउंट. फर्नीचर बिजनेस के लिए एक एसेट होता है. द फर्नीचर पे हम एसेट्स का रूल देखेंगे, डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट the decreases, right? Now, आपने फर्नीचर परचेज किया है, बिजनेस में फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, राइट? सो एज पर द रूल डेबिट द इंक्रीजेस, तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट. नाउ द सेकेंड अकाउंट इज कैश अकाउंट. कैश भी बिजनेस के लिए एक एसेट है, तो कैश पे भी हम एसेट्स का रूल लगाएंगे, डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस. नाउ बिजनेस ने कैश पे किया है, इसका मतलब बिजनेस में कैश का बैलेंस डिक्रीज हुआ एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस. तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट एंड कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट. लेट्स मूव टू द सेकंड रूल व्हिच इज फॉर लायबिलिटीज. नाउ रूल फॉर द लायबिलिटीज इज डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस. एसेट्स के रूल का बिल्कुल ऑपोजिट. तो जब भी बिजनेस की लायबिलिटीज डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी एंड जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी. लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट यू परचेज्ड अ मशीनरी ऑफ रुपीज 1 lakh फ्रॉम बबलू स्टोर, राइट? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स आइडेंटिफाई कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, राइट? एक तो हो गया मशीनरी अकाउंट, क्योंकि आपने मशीनरी परचेज की है. सेकेंड हो गया बबलू स्टोर अकाउंट, क्योंकि बबलू स्टोर को आपने कैश नहीं पे किया, क्रेडिट पे परचेज किया, राइट? एक हो गया मशीनरी एंड सेकेंड अकाउंट इज बबलू स्टोर अकाउंट. ओके, नाउ मशीनरी बिजनेस के लिए एक एसेट है, तो एसेट्स का रूल अप्लाई होगा, राइट? नाउ बिजनेस में मशीनरी इंक्रीज हो रही है एंड डेबिट द इंक्रीजेस एज पर द एसेट्स रूल, तो मशीनरी अकाउंट हो जाएगी डेबिट. सेकेंड अकाउंट इज बबलू स्टोर अकाउंट. नाउ बिजनेस ने बबलू स्टोर को 1 lakh पे करने, तो बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है, राइट? नाउ रूल फॉर द लाइबिलिटीज इज डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस. एंड बिजनेस में तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो बबलू स्टोर का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट. मशीनरी अकाउंट डेबिटेड बाय 1 lakh एंड बबलू स्टोर अकाउंट क्रेडिटेड बाय 1 lakh. नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑफ कैपिटल अकाउंट. नाउ द रूल फॉर द कैपिटल अकाउंट इज डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस. सेम एज द रूल फॉर द लाइबिलिटीज. तो जब भी बिजनेस में कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा. फॉर एग्जाम्पल, यू इन्वेस्टेड रुपीज 25,000 कैश इन योर बिजनेस.
Now the accounts involved is एक तो cash, क्योंकि business में cash आया, and second is capital, because proprietor जो भी amount business में invest करता है उसे capital कहते हैं. Now firstly cash, business के लिए asset है तो उस पर तो लगेगा asset का rule. Asset का rule क्या था? Debit the increases and credit the decreases. Now business में cash आया तो business में कैश का बैलेंस हो गया इंक्रीज, तो डेबिट द इंक्रीजेस, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट. नाउ द सेकंड इज कैपिटल, क्योंकि आपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो बिजनेस में जो आपका कैपिटल अकाउंट होगा वो भी हो जाएगा इंक्रीज. एंड एज पर द कैपिटल रूल क्रेडिट द इंक्रीजेस, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट बाय रुपीज 25,000 एंड कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 25,000. So the next classification is of revenue accounts, and the rule is credit the increases and debit the decreases. So जब भी business में revenue account का balance increase होगा तो credit होगा and decrease होगा तो debit होगा. Similar to the rule of liabilities and capital accounts, right? Now let's take an example that your business sold goods for cash rupees 5,000. Now here in this business transaction, accounts involved are एक तो sales account क्योंकि आपने sale करी है, now the second one is the cash account क्योंकि cash में sale करी है. Okay, now the sales account is a revenue account and वो increase हो रही है, so as per the rule credit the increases, तो sales account हो जाएगा credit. Now second one is cash, and cash है business के लिए एक asset, उस पे लगेगा asset वाला rule. And क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा है तो एज पर द रूल डेबिट द इंक्रीजेस, तो कैश हो जाएगा डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट बाय रुपीज 5,000. नाउ द लास्ट क्लासिफिकेशन इज ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट, राइट? एंड द रूल इज डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस. तो जब भी बिजनेस में एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होगा, एंड जब भी एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट होगा. Right? For example, salary is paid in cash rupees 5,000. Right? Now salary business ke liye ek expense hai, and expense increase ho raha hai. Right? So as per the rule, debit the increases. So salary account ho jayega debit. Now the second is cash, and cash business ke liye ek asset hai, and cash decrease ho raha hai kyunki business ne payment ki hai. Right? So as per the asset rule, credit the decreases. So salaries account हो गया debit and cash account हो गया credit by rupees 5,000. So if we see rule of assets and expenses are same, that is debit the increases and credit the decreases, and rule of liabilities, capital and revenue are same, that is debit the decreases and credit the increases. Okay, that's it for today guys, thank you so much for watching. I hope ab aapko debit aur credit ke rules samajh mein aaye honge. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Please like and share this video, and if you have not subscribed to the channel yet, please press the subscribe button for more such videos. Milte hain next video mein kuch aur naye concepts ke sath, tab tak ke liye bye bye.